हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मैं आपकी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि एक रहस्यमय कुआं है और कुछ वहाँ के जो टेंपल हैं वहाँ उसको बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आप अभी आपको ले चलूँगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा एक रहस्यमय कुआं जो कि प्राचीन काल से कहते हैं कि कौरवों और पांडवों के मतलब कि जमाने से उसको बनाया गया था। और वहाँ पे एक गणेश की बहुत ही विशाल मूर्ति है जो कि आपको हमारे उत्तर प्रदेश में हम जो बाबा हैं उनसे बात करेंगे और जो मतलब कि हम मतलब कि जहाँ तक मेरी जानकारी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे राज्य में वो सबसे विशाल मूर्ति है गणेश जी की। चलिए आपको चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। और वहाँ पे एक बहुत ही कुछ वहाँ पे जानकारी मतलब कि हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और अभी वहाँ पे सीताराम हो रहा है इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, बट आपको हमें कुल अपना जो वहाँ का सीन है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे। आप देख सकते हैं मैं उस मंदिर के पास आ गया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने वो कुआं है जो कि मैं बात कर रहा था, जिसका बात कर रहा था रहस्यमय कुआं जो कि जमीन के अंदर से रास्ता जाता है उसके। तो अभी उस कुएं के अंदर चलेंगे और चलिए देखिए जो बाबा जी से परमिशन मांगते हैं, देखिए आप मतलब परमिशन देते हैं कि नहीं जाने के लिए। और आप यहाँ से देख सकते हैं उनका ऊपरी लुक देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से है। अभी कुआं के अंदर अंधेरा इसलिए दिख नहीं रहा है। और एक गणेश जी की मूर्ति है, आपको अभी चले सामने चल के दिखाते हैं उनके। आप मेरे पीछे जो गणेश जी की मूर्ति है बहुत ही विशाल है। अभी यहाँ पे कुछ भजन हो रहा है इसलिए आवाज़ नहीं क्लियर मेरी जा रही होगी, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही विशाल जो कि गणेश जी की मूर्ति है बनाई गई है और ये प्राचीन काल से है। और चलिए आपको उस कुएं के पास ले चलते हैं और बाबा जी से कुछ बात करेंगे कि इससे मंदिर के बारे। और आप मेरे पीछे जो ये देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति है इसके बारे में और जो यहाँ पे जो मतलब जो विशाल मंदिर है इसके बारे में बात करेंगे। और चलिए देखते हैं आपको पीछे कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी हमें मंदिर के अंदर चलता हूँ आपको और आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या क्या है, मतलब कि किस किस भगवान की और किस संत की मूर्ति है। अभी अंदर अंधेरा है इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन चलेंगे अंदर। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं, देख सकते हैं कि चलिए मंदिर के हम आपको पास चल के दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दान पेटी है और यहाँ पे अभी अंदर पे शायद ताला लगा इसलिए अंदर नहीं जा सकते, बट आपको हम अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हेलो भाई, अब हम जा रहे हैं जो एक कुएं के पास जो कि बहुत प्राचीन काल से रहस्यमय कुएं है। चलिए उसके अंदर घुस के देखते हैं कि वो कुआं कैसा है जो कि कुएं के अंदर से रास्ता गया है, मतलब कि जो कुआं है उस जमीन के अंदर से गया है उस कुएं में रास्ता। और उसको मतलब वहां पे बहुत अंधेरा रहता है इसलिए मैं अपने बैक के लाइट्स जला के अपने कैमरे को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और अभी चलते हैं और कुएं के पास पहुंच के आपको दिखाते हैं। आप चलिए हम अपना पीछे का कैमरा आपको ऑन करके दिखाते हैं। देख सकते हैं ये उस कुएं का द्वार है, आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अंधेरा है इसलिए मैं अपने लाइट को ऑन कर लूंगा ताकि आपको दिखाई दे। देख सकते हैं यहाँ फ्लैश ऑन कर लिए। चलिए इसके अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कुछ बाहर से कुछ इस प्रकार का दिखता है ये कुआं, मतलब कि जो रास्ता है अंदर को जाता है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुआं, इसको बोल सकते हैं आप रहस्यमय कुआं। एक्चुअली इस जब मैं अंदर जा रहा हूँ मुझको डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई मतलब कि सांप हो करके बहुत यहाँ पे बहुत मच्छर हैं क्योंकि बहुत ही अंदर को जाता है एकदम जमीन पर। आपको दिखाएंगे अभी अंधेरा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे मतलब अंधेरा है इसलिए वीडियो साफ नहीं आ रहा है। अभी चलते हैं आपको नीचे तो दिखाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मच्छर उड़ रहे हैं, अंदर जाते जाते थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि बहुत ही अंदर है इसलिए थोड़ा जाने में भी डर लग रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से वो कुआं है। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ के। आप देख सकते हैं कुआं है, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं इसके ऊपर से जितना ऊपर जाके खुला है, देख सकते हैं आप ऊपर से एक जमीन के जो कि अंदर है। और अभी हम ऊपर चलेंगे, देख सकते हैं यहाँ से वो कितना ऊपर जाके इसका वहाँ पे एकदम टॉप पे जाके वो है। और एक कुआं है, इसको बोल सकते हैं आप रहस्यमय कुआं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पे यहाँ पे अंधेरा है। मैंने अपने फ्रंट साइड से फोटो लिए क्योंकि फोटो नहीं ले रही होगी क्योंकि अंधेरा है। चलिए आपको पीछे से दिखाते हैं। तो हम चलिए चलते हैं वापस क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत मच्छर लग रहे हैं क्योंकि बहुत ही प्राचीन कुआं है, यहाँ पे लोग अंदर आते नहीं है। अभी बाबा साहब से मैंने जो यहाँ के वो हेड हैं मतलब कि उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दीजिए, अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ। आप फोटो सही से देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मैंने लाइट जलाई है और यहाँ पे अंधेरा भी है, बट
मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छा से अच्छा दिखाने की। तो चलिए बाहर निकल के आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, देख चलिए हम जो बाबा जी हैं उनसे बात करते हैं, और ये जो कुंवर आप देखे थे पीछे हमारे पे वहाँ पे, चलिए उनसे उनके बारे में पूछते हैं। और जो ये आप देख सकते हैं जो पूरा अभी मंदिर है उनसे बात करेंगे और ये क्या क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे। चलिए देख सकते हैं आप मेरे पीछे खा रहे हैं ये, मतलब कि बाबा जी यहाँ पे रहते हैं, मतलब कि अभी अंदर अंधेरा है इसलिए दिख नहीं रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इससे मतलब जो ये गुफा है या जो ये टेम्पल है इसके बारे में कुछ उनसे जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एक भैया जी हैं, उनसे बात करते हैं तो ये बताएंगे जो आप हम लोग कभी कुआं देखे थे उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आप पे कुछ बता सकते हैं सर ये मतलब बाबा बजरंग दास यहाँ मतलब सिद्धपीठ है जो है, उन्होंने मतलब जो है अपना यहाँ भजन करने के लिए जो है अंग्रेजों के जमाने से वो मतलब पातालपुरी खुदवा कर जो है उसी में मतलब अपना मतलब भजन किए थे जो है, इसी नाम से गुफा मंदिर प्रसिद्ध है जो है। अच्छा जो कुआं अभी है उसका उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं, मतलब कि वो किस लिए बनाया गया था, मतलब कि उसका क्या मतलब कि बस मतलब कि महाराज जी मतलब उस कुएं से मतलब अंदर जाते थे जल लेने के लिए, भगवान माता जी को मतलब उसी जल से मतलब लाकर नीचे से मतलब पौड़ी से और स्नान ध्यान कराते थे, पूजा पाठ करते थे। अच्छा आप हमको एक बार बताइए कि यहाँ पे हमेशा जो ये मतलब सीताराम भगवान का करते हैं भजन हमेशा होता रहता है, ये 12 साल से निरंतर चल रहा है। आप यहाँ पे पीछे हमारे सुन रहे होंगे सीताराम सीताराम जो कि हमेशा 12 साल से लगातार होते रहते हैं दिन रात बिना रुके, ये यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध एक अच्छी बात है कि बिना रुके रात दिन हमेशा सीताराम भगवान का भजन जरूर हमेशा होता रहता है। चलिए हमारे एक बाबा जी और उनसे भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 घंटा राम नाम हो रहा है, 24 घंटा दिया जल रहा है। अच्छा भगवान का सब चीज हो रहा है, 12 साल पूरा होने वाला है। अच्छा आप सबको का देखा आपने। अच्छा यहाँ के जो मतलब बड़े महंत जी हैं वो महाराज जी वो भी आते हैं कभी पे, नहीं उनको शरीर पूरी हो गई है महाराज है इस समय नहीं है और नहीं है। अच्छा अब मतलब आप ही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा मिलके, चलिए बाबा को फोटो खींचे ले हुआ। हाँ हाँ अभी चलिए बाहर चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बाबा जी ने अभी हमको प्रसाद दिया है, देख सकते हैं प्रसाद लेने के बाद हमको कुछ दिखा रहे हैं, देख सकते हैं क्या है बाबा जी। हाँ जी क्या है, भाला है। अच्छा भाला है। हाँ। बहुत पुराना है ना। हाँ, हाँ, बहुत पुराना है, बाबा रखे रहा था ना। तो कोई अभी भी इसकी कितनी मतलब कितना साल हो गया, अरे कम से बहुत हो गया, 90 साल मतलब ये जो देख सकते हैं। हाँ मतलब की अंग्रेजों के साथ है, और देख सकते हैं आप इसका हुलिया भी देख सकते हैं कि कितना मतलब पुराना है, मतलब कि यहाँ पे बहुत आपको प्राचीन प्राचीन चीजें देखने को मिल सकती हैं। और इसके बाहर अभी मंदिर के बाहर चलेंगे, आपको दिखाएंगे गणेश जी की मूर्ति है जो कि बहुत ही विशाल मूर्ति है, आपको दिखाएंगे। हाँ और यहाँ पे जो कि हमारे यहाँ प्रदेश में अभी भी बोल रहे हैं जो यहाँ पे बाबा जी हैं कि मतलब इधर आसपास में कहीं पे आपको ऐसी मूर्ति देखने को नहीं मिल पाएगी। 18 फुट गणेश जी। हाँ चलिए तो चलिए आपको दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ से देख सकते हैं सारा, वहाँ से कुल इस तरफ से यहाँ से देख सकते हैं पीछे। और चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की जो महंत हैं उनके कुछ उनके बारे में, और देख सकते हैं आप चलिए आपको पीछे कैमरा देख सकते हैं मतलब कि कुछ इस प्रकार से है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे राम करके लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे बहुत ही प्राचीन ही चीज़ें हैं देख सकते हैं जो महंत हैं। चलिए हम उनके पास चलते हैं और थोड़ा मतलब कि देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं महंत जी हैं जो कि यहाँ पे रहा करते थे, मतलब कि उन्हीं ने ही इसका निर्माण किया था। हेलो गाइज, फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और आपको मैं अपने वीडियो में आपको अपने ब्लॉग में और अच्छे से अच्छे चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये जानकारी कैसी लगे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।